जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, हम सोमोरेरी से लौट के हम ले आ गए थे क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल था और ले मनाली हाईवे ब्लॉक था। तो अभी हम रात में हमने रूम बुक किया और वहाँ पे स्टे किया। ये हमारे रूम से व्यू है और हमारी यहाँ पे रूम में ही कुकिंग चल रही है क्योंकि ये अभी ऑफ सीज़न है। यहाँ पर सारे ऑलमोस्ट होटल्स वगैरह सब कुछ बंद हो रहे हैं। हाईवे ब्लॉक होने की वजह से लोगों को स्टे करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो लकीली हम लोग यहाँ पे कुकिंग कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ आर कैंपिंग इक्विपमेंट्स। ये आज संतोष ने बनाया है पनीर पकौड़ा। ओ वाह, शायद मौसम ख़राब होने की वजह से अभी यहाँ पे करंट नहीं है और आज डिनर में बना है मैगी। तो आज है Day 3 यहाँ फंसे हुए। आज मौसम काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। आई होप ले मनाली हाईवे का जो ब्लॉकेज है हट जाए और वो खुल जाए। आई थिंक कल तक खुल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आज मौसम थोड़ा ठीक होने की वजह से हमने सोचा है थिक से मोनेस्ट्री घूम आते हैं। ये ले सिटी से 18 किलोमीटर की दूरी पे है, आधा घंटा लगता है। तो चलिए चलते हैं थिक से मोनेस्ट्री। ये देखिए, ये है थिक से मोनेस्ट्री। ये नो ड्रोन फ्लाइंग जोन है। करीब नीचे से हाईवे से आधा 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ पे पार्किंग एरिया है और यहाँ पार्किंग करके हम आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो यहाँ से चलना है। तो चलो, यहाँ पे ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है। क्या अमेजिंग व्यू है यहाँ से। देखिए चारों तरफ पहाड़। ये जो रोड दिख रहा है, इस रोड से हम लोग आए अभी। और यहाँ की ब्यूटी देखिए, अमेजिंग। यहाँ बहुत सारी पेंटिंग हो रखी हैं सारे वॉल्स पे और सारे नेचुरल कलर्स से बने हुए हैं, वेल प्रिजर्व्ड हैं, वो सबसे अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे कितने सारे बुद्ध के आकृतियाँ बनी हैं।
थिक्से मोनेस्ट्री सेंट्रल लद्दाख का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। ये है मैत्रेय टेम्पल। हम अभी मैत्रेय टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। 1970 में दलाई लामा जी ने यहाँ पर विज़िट किया था, उसी के याद में ये मैत्रेय बुद्ध यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये 49 फीट ऊंचा है और यहाँ दो फ्लोर कवर करता है। अभी हम ठीक से मोनेस्ट्री घूम चुके हैं और ये मोनेस्ट्री शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और अभी चलते हैं स्टॉक पैलेस। ये स्टॉक पैलेस है। ये है एंट्रेंस वे और अंदर आते ही यहाँ पे स्टेयर्स मिलते हैं, इधर से ऊपर जाना होता है। ये स्टॉक पैलेस में नामग्याल डायनेस्टी दशकों से रहते आए हैं। आज के डेट पे ये एक बुटीक हेरिटेज होटल है और आप रूम बुक कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पे लद्दाखी कल्चर के सामान और जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको सजा के रखा गया है ताकि आपको एक इनसाइट मिले लद्दाखी कल्चर का। ये देखिए यहाँ के यूटेंसिल्स, ये कुछ बड़ा अजीब सा है बट इंटरेस्टिंग है। ये बाहर से स्टॉक पैलेस ऐसा दिखता है और यहाँ से भी बहुत बेहद ही खूबसूरत नज़ारे। मोती मार्केट सोसाइटी है, इसके अंदर से आप मार्केट के लिए जा सकते हो। ये रास्ता मेन मार्केट को भी जाता है। काफ़ी बड़ा मार्केट है। आप इस चौक पे पहुंचोगे, ये कुछ एक चौक जैसा है, फिर यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चलते रहो सी के अंदर। ये रहा मेन मार्केट, ये ले मेन मार्केट है। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमको मिला। ये देखिए लोकल नूडल्स, हैंडमेड नूडल्स हैं और यहाँ पे नूडल्स बनाए जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस हम लोग देखने रुक गए यहाँ पर। तो ये पतला कर देता है इसको। यहाँ के कुछ लोकल फ्रूट्स और नट्स और वेजिटेबल्स कितने फ्रेश हैं। अमेजिंग ज्वेलरी कलेक्शन एंड एंटिक कलेक्शन। ये हमारे शहीद जवान जिन्होंने अपना बलिदान दिया कारगिल वॉर में, सुप्रीम सैक्रिफाइस, और ये थे इसलिए आज हम हैं।